एशिया कप के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच हुए फाइनल मुकाबले के दौरान भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा बांग्लादेश के बल्लेबाज मोहम्मद मिथुन को रन आउट कर दर्शकों का दिल जीत ले गए। दरअसल मिथुन जब क्रीज पर आए थे तब बांग्लादेश मजबूत स्थिति में था। मिथुन एशिया कप में अब तक अच्छा खेल रहे थे, ऐसे में बांग्लादेश उनसे उम्मीद कर रहा था कि वह टीम को 300 के पार ले जाएंगे, लेकिन जडेजा ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने महज डेढ़ सेकंड में 6.61 मीटर का एरिया कवर करते हुए पहले बॉल रोकी, फिर तेजी से नॉन स्ट्राइक एंड पर फेंकी ताकि मिथुन को रन आउट किया जा सके। बांग्लादेश के लिए सलामी बल्लेबाज लिटन दास और मेहंदी हसन ने पहले विकेट के लिए 120 रन जोड़े थे, लेकिन इसके बाद मेहंदी हसन और इमरुल कैस की विकेट जल्दी गिर गई। ऐसे में उम्मीद मुशफिकुर रहीम और मिथुन से थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रहीम जैसे ही आउट हुए, पीछे पीछे जडेजा की बढ़िया थ्रो के कारण मिथुन को भी पवेलियन लौटना पड़ा। दरअसल लिटन दास 95 रन बनाकर खेल रहे थे। कुलदीप यादव भारतीय पारी की 28वीं ओवर फेंकने आए। ओवर की 5वीं गेंद पर लिटन ने शॉट लगाकर रन लेने के लिए भागना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि जडेजा ने डाइव लगाकर गेंद रोक ली है, वह पीछे मुड़ गए। इससे क्रीज छोड़ चुके मिथुन को वापस लौटने का मौका ही नहीं मिला। जेड न्यूज की रिपोर्ट।